नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अफ़गानिस्तान के NSA हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान को गुस्से में आकर ब्रोथल हाउस बोल डाला है। ब्रोथल हाउस मतलब ये गुस्सा उन्होंने उस मीटिंग से पहले निकाला है जिसमें वो अफगान पीस टाक के ऊपर पाकिस्तान के ISI चीफ और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से NSA से वो मीटिंग करने वाले थे। उन्होंने ये गुस्सा अफ़गानिस्तान के किसी प्रोविंस में एक मीटिंग में निकाला जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी को गाली दी, पाकिस्तान को भला बुरा कहा और पाकिस्तान की तुलना ब्रोथल हाउस से कर डाली। असल में दोस्तों ये अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो भी ये बात जानती है कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वो एक ड्रामा है। अफ़गान पीस टाक के अनुसार वो पिछले 20 सालों से तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहा है और यही कारण है कि अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद भी ये जंग हार बैठा है। पाकिस्तान को ब्रोथल हाउस बोले जाने पर पाकिस्तान चिढ़ गया है और पाकिस्तान गुस्से में आकर बोला कि अब हम मीटिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हीरा मंडी टाइप की जबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। हम बड़े रेस्पेक्टेड मुल्क हैं, हमारी दुनिया में बड़ी इज्जत है। आजकल तो फवाद चौधरी जो इनका विज्ञान का मिनिस्टर है वो भी BBC पे जाके बोल रहा है कि दुनिया में जो सिविलाइज्ड सेना है और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करती है वो हमारी पाक आर्मी है, हमारी ISI है। बताइए, इस पर खुद पाकिस्तान के लोग भी हंस रहे हैं।